तो चलो मान लो, नहीं नहीं मतलब मान लो कि आप एक बहुत ही खतरनाक सिचुएशन में फंस गए हैं। आप एक ऐसे जगह में फंस गए हैं जहां पर मीलों तक ना तो खाना है और ना पानी, और आपका खाना और पानी भी खत्म हो चुका है। आप प्यास से तड़प रहे हैं लेकिन आपके पास पीने के लिए बस एक चीज है, आपका खुद का यूरिन। आपने नेशनल जियोग्राफिक चैनल में मैन वर्सेस वाइल्ड या फिर मैन वुमेन वाइल्ड तो देखा ही होगा, जहां पर लोग सर्वाइवल के लिए अपना खुद का यूरिन पीते हैं। पता नहीं आप जानते हैं कि नहीं, कई सारे एस्ट्रोनॉट्स ने भी स्पेस में अपना यूरिन पिया है, लेकिन उनके पास हाई टेक फिल्टरेशन सिस्टम था जिसने यूरिन को भी काफी ज्यादा प्यूरिफाई कर दिया। लेकिन इस धरती में बुरे वक्त बुरे हालातों में हमारे पास वैसा सिस्टम नहीं होता, और क्योंकि बियर ग्रिल्स और उनके जैसे कई सारे लोगों ने अपना खुद का पेशाब पी करके खुद को जिंदा बुरे हालातों से बाहर निकाला है, तो क्या ऐसे हालात में या फिर किसी भी हालात में अपना खुद का यूरिन या फिर किसी का भी यूरिन पीना सही है? तो चलिए फिर आज के इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। केकूपन हमारी टीम द्वारा बनाया गया महज 3 MB का एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन है, जिसके अंदर आपको मिलते हैं सारे के सारे ऑनलाइन शॉपिंग के एप्स, जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेज़न, मिंत्रा, शॉपक्लूज, जैसे कि ओएलएक्स, क्विकर, 99acres.com, मेक माई ट्रिप, रेडबस और भी कई सारे। ये एप्लीकेशन इतना कारगर है कि आपको 10 तरह के अलग अलग एप्लीकेशन रखने की जरूरत नहीं है। ये एप्लीकेशन आपके फोन के रैम, बैटरी और स्टोरेज को बचाता है। तो बस इस छोटे से ऐप को इंस्टॉल करिए और दुनिया भर के जितने भी एप्लीकेशन है उनसे छुटकारा पाए। दोस्तों लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आज ही डाउनलोड करिए। आमतौर पे एक एडल्ट बिना पानी के 1 हफ्ते तक और बिना खाए 3 हफ्ते तक जिंदा रह सकता है, लेकिन अगर आप डिहाइड्रेटेड या फिर बीमार हुए तो आप जो है इस वक्त से पहले ही चल बसेंगे। इसी वजह से मुश्किल हालातों में आर्मी या फिर मिलिट्री के लोग जब किसी जंग या फिर किसी मिशन में जाते हैं तो उनके पास एक फील्ड मैनुअल होता है, जिसमें क्या ना पिए उसका एक लिस्ट होता है, और उस लिस्ट में होता है फिश जूस, ब्लड यानी कि खून, अल्कोहल यानी कि शराब, सी वाटर यानी कि समुद्र का पानी, और हाँ आखिर में यूरिन यानी कि पेशाब। अगर थोड़े से डिटेल में बात करें तो यूरिन और समुद्र के पानी में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता। आखिर यूरिन में होता क्या है, 95% वाटर यानी कि 95% वाटर, सोडियम क्लोराइड और यूरिया, और वहीं समुद्र का पानी होता है 96.5% वाटर यानी कि 96.5% पानी, और बाकी का सोडियम और क्लोराइड, कोई यूरिया नहीं। तो यूरिन पीना तकरीबन समुद्र का पानी पीने के बराबर ही है, और ये पीने से आप डिहाइड्रेशन के शिकार होंगे ही होंगे, और डिहाइड्रेशन में यूरिन या फिर सी वाटर पीना लगभग जहर पीने के बराबर ही है, क्योंकि अगर आप वैसे हालातों में फिर भी यूरिन पीते हैं तो डिहाइड्रेशन आपके ब्लड प्रेशर को लो कर देगा, जिसका मतलब है आपके शरीर के जरूरी अंग जैसे कि आपका दिल, आपके फेफड़े, आपके गुर्दे यानी कि किडनी और आपका दिमाग यानी कि आपका ब्रेन तक रक्त यानी कि ब्लड नहीं पहुंचेगा, जिसका नतीजा ये होगा कि आपके ऑर्गन्स या तो डैमेज हो जाएंगे या फिर फेल हो जाएंगे। और जो चीज आपकी परेशानी और बढ़ा रही होगी वो है यूरिया। बेसिकली यूरिया हमारी बॉडी का एक वेस्ट डिस्चार्ज है, यानी कि हमारे शरीर से निकला हुआ कचरा है, और इसको आपके शरीर में होना नहीं चाहिए, तभी हमारी किडनी जो है वो हमारे ब्लड यानी कि हमारे रक्त में से यूरिया को निकाल करके हमारे ब्लड को साफ करती है और उसे यूरिन के जरिए हमारी बॉडी से डिस्चार्ज कर देती है। और जब आप दोबारा से यूरिन पीते हैं तो आपके किडनीज को और ज्यादा मेहनत करना पड़ता है ताकि उस यूरिया को वो बाहर निकाल सके, जिसका नतीजा हो सकता है किडनी फेलियर, जो कि कहीं से भी आपके लिए अच्छा नहीं है। और सबसे भयंकर बात बैक्टीरिया, और एक स्टडी के हिसाब से हमारे यूरिन में तकरीबन कम से कम 85 तरह के बैक्टीरिया के अलग अलग स्पीसीज यानी कि प्रजातियां होती है, और उनमें सबसे ज्यादा कॉमन है स्टेफिलोकॉकस, जिससे फूड पॉइजनिंग होती है, और एक्टिलोमाइसिस जो कि गम इन्फेक्शन में पाए जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि जब तक कोई आपको ढूंढ ना ले तब तक आपके शरीर के अंग सही सलामत हो, आपको फूड पॉइजनिंग ना हो, आपको नौशिया ना हो, आपको गम प्रॉब्लम ना हो, तो बेहतर है यूरिन ना पिए। नहीं तो क्या पता लोग आपको बचाने भी आ जाए लेकिन आप किसी और बीमारी जैसे कि ऑर्गन फेलियर या फिर फूड पॉइजनिंग के वजह से इस धरती से रुखसत हो जाए, फिर तो काफी अफसोस की बात होगी। खैर छोड़िए और ये कि अगर आप ऐसे सिचुएशन में फंस गए, खुदा ना खास्ता हम ऐसा नहीं चाहते, लेकिन फिर भी अगर आप फंस गए तो क्या आप अपना यूरिन पिएंगे, कमेंट में जरूर बताएं। और वैसे हाँ, अगर आप फूडी हैं, खाने के शौकीन हैं और फूड चैलेंजेस से रिलेटेड मजेदार वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए चैनल वर्ल्ड ऑफ फूड्स को, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलो दोस्तों इसी के साथ हमारे आज का वीडियो खत्म होता है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आती है तो लाइक करो, नहीं पसंद आती तो हमें बताओ क्यों नहीं पसंद आई, और अगर नए हो पहली बार इस चैनल में आए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना और बेल आइकन जरूर दबाना। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।